इंडिया का निर्माण तो हो गया यानी जो विपक्षी एकता की मुहिम थी अंतोगत्वा उसको एक नाम मिला आई एन डी आई ए इंडिया इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बड़े दल क्षेत्रीय छत्रपों की महत्वाकांक्षा का कितना ध्यान रखते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सियासी गठबंधन बीच मझधार में ही दम तोड़ सकता है अब देखिए बिहार यूपी पंजाब दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में कांग्रेस को अपना दिल जो है वो बड़ा रखना होगा विपक्षी एकता के सपने को पूरा करने के लिए इन राज्यों में कांग्रेस को अपनी सियासी इच्छाओं का दमन करना होगा तब जाकर बात बनेगी नहीं तो काम बिगड़ सकता है राजनीतिक जानकारों और पत्रकारों की बातें कुछ हद तक सही भी हैं कांग्रेस फिलहाल मुंडे मुंडे मती भिंड के दौर से गुजर रही है वहां फैसला अभी भी केंद्रित नहीं है मैडम सोनिया से होते हुए मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल के रास्ते फैसले पार्टी तक पहुंचते हैं ऐसे में कांग्रेस को संभल कर चलना पड़ेगा अब सीटों पर चर्चा जो है वो जारी है और उधर राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर अभी से चल रही चर्चा पर राजनीतिक जानकार तंज कसते हैं उनका मानना है कि गांव बसा नहीं कि लुटेरे आ गए 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस का परफॉर्मेंस सुन रहा कांग्रेस को महज किशनगंज सीट पर सफलता मिल पाई नीतीश कुमार एनडीए में थे इसलिए सम्मानजनक सीटों पर जीत हासिल हुई 2014 को याद कीजिए एनडीए से अलग हटकर जदयू ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन मात्र दो सीटों पर ही उन्हें सफलता मिली 2019 में जेडीयू ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और जे को सोलह सीटों पर जीत हासिल हुई वैसे में सियासी पिच मात्र एक रन बनाकर आउट रही कांग्रेस अभी से दस सीटों का राग अलाप रही है जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को कतई दस सीट नहीं देंगे लालू प्रसाद यादव डबल डिजिट देखते ही सोनिया गांधी को फोन करेंगे और बिहार में भी कांग्रेस को मन मुताबिक सीट नहीं मिलने जा रही है इसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है अब याद कीजिए कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और तीन सीटों पर बीजेपी से उसकी सीधी टक्कर थी वहीं बीजेपी ने 2019 का चुनाव चार सीटों पर लड़ा था जबकि बाकी सीटों पर उसके गठबंधन सहयोगियों ने चुनाव लड़ा नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने के बावजूद सबसे पुरानी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल बावन सीटें जीतने में सफल रही चार साल बाद 2023 में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में लगातार दो बड़ी हार झेलने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के मुकाबले करने के लिए 26 विपक्षी दलों को लेकर एक साथ आई है इन 26 दलों में कुछ ऐसे दल शामिल हैं जो राज्यों में मजबूत स्थिति में है वैसे में यदि कांग्रेस नेतृत्व करने का सोचती है तो उसे क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ा बलिदान करना होगा जी हाँ अब सोचिए आप कि कांग्रेस की बात शायद ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सुनने वाले हैं वे करेंगे अपने मन की और अंत में इतना विवाद होगा कि नीतीश और लालू का भी इससे किनारा होना तय है बिहार और कर्नाटक में दोनों विपक्षी बैठकों का हिस्सा रहे एक पार्टी के नेता ने कहा कि 26 विपक्षी दलों को एक साथ लाना लोकतंत्र और संविधान को बचाना है जिस पर हमला हो रहा है कांग्रेस का मानना है कि यही विचार सभी दलों को साथ जोड़कर रखेगा कांग्रेस नेता ये भूल जाते हैं कि बिहार जैसे राज्य में आर सिंह उपेंद्र कुशवाहा मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी भी हैं जो पूरी तरह एन के साथ हैं बिहार में चिराग पासवान जैसा दलित चेहरा एन के पास है कांग्रेस किस बिखराव की बात कर रही है एन के खिलाफ जिस तरह का माहौल कांग्रेस बनाना चाह रही है क्या वो माहौल पब्लिक को कन्विंस कर पाएगी केंद्र सरकार की कई योजनाओं के समर्थन में आम लोग हैं मुफ्त अनाज और किसान सम्मान निधि योजना इसे लोग पसंद कर रहे हैं कई राज्यों में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री अपने नाम चला रहे हैं लोगों के मन में ये बैठ चुका है कि ये सब मोदी की वजह से मिल रहा है इस सोच का आखिर कांग्रेस क्या करेगी अब बिहार के दस सीटों पर बात कर लेते हैं कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 2019 में बीजेपी के खिलाफ सीधे चुनाव लड़ने वाली सीटों को देखते हुए पार्टी में विस्तृत चर्चा चल रही है और वो अभी भी देश भर में कम से कम 400 सीटों पर लड़ने की कोशिश करेगी इस बीच पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि बैठक के बाद एक सुखद तस्वीर पेश करने के बावजूद आगे की राह बहुत आसान नहीं है इसके लिए गंभीर बातचीत की आवश्यकता है जिसमें उन राज्यों में बलिदान शामिल है जहाँ क्षेत्रीय दल इसके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं ऐसा ही स्थिति बिहार में है जहां कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू जैसे मजबूत क्षेत्रीय दलों के साथ महागठबंधन का हिस्सा हैं बिहार में लोकसभा की चालीस सीटें हैं वहाँ एन ने दो में आम चुनाव में उनचालीस सीटें जीती थी कांग्रेस को सिर्फ किशनगंज सीट पर सफलता मिली थी हालांकि उस समय एनडीए का हिस्सा रही जदयू ने 16 सीटें जीती हालांकि नीतीश कुमार के एक बार फिर इंडिया छोड़कर पुराने गठबंधन में शामिल होने से गठबंधन सहयोगियों का मनोबल जरूर बढ़ा है कांग्रेस इस बार बिहार में कम से कम दस सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक है जानकार मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा